क्या सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमिटी के रिपोर्ट के अनुकूल 4 तारीख का जो जजमेंट दिया है क्या दिया है? मेरे अध्ययन से तो उसके मुताबिक नहीं दिया। इस देश की सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो कमिटी गठन किया गया था, लोढ़ा कमिटी, जो भी मुख्य अतिथि है उसने एक कंपनी की लायबिलिटी 57,927 करोड़ की लायबिलिटी दिया है। इस लायबिलिटी को वहन करने के लिए लोढ़ा कमिटी के सामने दो संस्थाएं आया था, बुलाकर सुप्रीम कोर्ट मुझे ये अधिकार सौंपे तो मैं पीएसएल का सारे के सारे पैसा को निवेशकों को वापस करूंगा। एक कंपनियां थी ग्रेट वैल्यू प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, दूसरी कंपनी थी निर्मल सिंह भांगुर की। ये दो कंपनियां लोढ़ा कमिटी के सामने इस बात को रखा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहे तो मैं पीएसएल के निवेशकों का पैसा पूरी की पूरी वापस करूंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमिटी के रिपोर्ट को भी नहीं माना और जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो जजमेंट दिया 4/8/2017 को, उसमें ये अनुरोध करूंगा हमारे कटिहार जिला में भी एक संगठन को तैयार किया जाए। 2800 करोड़ की लायबिलिटी बताया और एज एडवांस के तौर पर इसके मैनेजमेंट को बोला सारे निवेशकों को इस पैसे को वापस करो, जजमेंट में बाद में करूंगा क्या करना है। लेकिन साथियों, यहाँ सरकार की मंशा साफ नहीं लगती। सरकार मैटर को उलझाना जानती है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है, दूसरी तरफ सरकार ने मामला को उलझाने के लिए क्या किया, पीएसएल के चार डायरेक्टरों पर 2423 करोड़ 2423 करोड़ की पेनाल्टी कर दिया। अब साथियों, जब आपकी पैसे पेमेंट करने की बारी आती है तो सरकार श्रेणी के मार्फत से डायरेक्टरों पर पेनाल्टी करके इस मैटर को उलझाने का काम करता है। इसलिए पूरी की पूरी दोषी इस देश का जो संस्था है वो सेमी है। अगर भारत सरकार का मंशा साफ है कि हम अपने नागरिकों की जनधन की सुरक्षा करेंगे तो सबसे पहले सेमी के डायरेक्टर को गिरफ्तार करें।